हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के जो रिकॉर्ड क्लर्क यानी नॉन एकेडमिक स्टाफ की जो वैकेंसीज थी उसकी जो आंसर की है वो ऑफिशियल जारी हो चुकी है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं इसमें जो आंसर की है और इसमें क्या कुछ आंसर दिए गए हैं। तो आते हैं सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर वाले पोर्शन में। बेसिक कंप्यूटर वाले पोर्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक पूछा है उन्होंने कि एक रैम है 32x4, इसमें रैम में जो है 32 शब्द दिए हैं, 5 एड्रेस लाइन दी हैं, 4 बिट डेटा वर्ड साइज़ है। सेकंड दिया है कि DRAM का संक्षिप्त रूप डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना था सही कौन सा नहीं है। तो ना तो एक सही ना ही दूसरा सही नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको दोनों सही, कौन सा सही नहीं है ये बताना था, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही कथन जो है सही नहीं है। अगर नेक्स्ट पे देख लेते तो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो संयोजन है सही नहीं है। और यहाँ पर दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो वॉलेटाइल मेमोरी है और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो यहाँ पर भी दोनों कथन सही हैं और आपको बताना था कि दोनों में से कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, तो इसमें यह आंसर आ जाएगा। थर्ड है आपके पास EPROM, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इसका डिटेल में आपको बताना था डिटेल रूप। फोर्थ नंबर का आप दिखा देख लेते हैं, इसमें आपको दिया गया है कि जो संयोजन है वो कौन सा सही नहीं है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन सब सही नहीं वाले बताना है आपको। तो इसमें आपको प्लॉटर आउटपुट डिवाइस, डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर भी आउटपुट डिवाइस है। अभी इसमें आपको सही नहीं है ये बताना था, यानी पहला और तीसरा जो है वो सही नहीं है, मतलब दूसरा वाला सही है। इनपुट डिवाइस के रूप में डिजिटल कैमरे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा जो किस प्रकार के पोर्ट का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसमें यूनिवर्सल सीरियल बस जो है उसी का उपयोग किया जाता है ना, यूएसबी पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस, उसका ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि SCSI पोर्ट एक तेज डाटा ट्रांसमिटिंग डिवाइस है और इसका उपयोग HDD CD रोम ड्राइव और स्कैनर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। SCSI का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका जो असंक्षिप्त रूप होता है वो शॉर्ट कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस शॉर्ट डाटा एंट्री डिवाइस है। तो शॉर्ट डाटा एंट्री डिवाइस में आपको पहला डिजिटल कैमरा दिया जाएगा और आंसर में, और दिया है कि स्कैनर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। ठीक है ना, तो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस में पहला डिजिटल कैमरा और एक स्कैनर। ठीक है, मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आप सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं डाटा एंट्री में। तो बात सही है, स्कैनर को हम उपयोग करते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से होता है उसका। नेक्स्ट इसमें दिया है कि रंग के आधार पर मॉनिटर की परिवर्तन की बात करी है और यहाँ पर भी जो संयोजन है वो सही नहीं है ये बताना है आपको। तो केवल दो नंबर का जो संयोजन है वो सही नहीं है, पहला और तीसरा संयोजन बिल्कुल सही है। यानी दो प्रकार का काला जो मॉनिटर है, दो रंगों का परिणाम प्रदर्शित करता है, काला सफ़ेद, हरा काला, इस तरीके का जो मॉनिटर होता है वो कलर मॉनिटर कहलाता है। और थर्ड वाला जो मॉनिटर को RGB मॉनिटर कहते हैं वो मोनोक्रोम मॉनिटर होता है। ठीक है ना, इसमें ये सही है और आपको बताना था सही नहीं है, सही नहीं है जो है वो दूसरा वाला है मात्र। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें भी आपको बताना था। तो इसमें यूनिक्स मल्टीपर्पज़ मल्टी टास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग डेस्कटॉप वो तो सही है, ये विशेषताएं रखता है डेस्कटॉप की। पॉम कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पॉम एक टेबलेट होता है जो हाथ की हथेली पर चलने वाला होता है। ठीक है, वो हो गया। ठीक है, ये भी सही। इसके अलावा आपको एक और दिया है कि स्प्रेडशीट एक पर्सनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। थर्ड वाला जो उन्होंने दिया है वो गलत है और सही आंसर यही होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का सेट है जो उपयोगकर्ता को अधिक विशिष्ट कार्यात्मकता प्रदान करता है। इसमें कथन सही नहीं है बताना था, ये क्वेश्चन का आंसर उन्होंने कैसे दे दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है ये बताना आपको। तो पहला वाला कथन जो है वो सही है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और डॉस और यूनिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास
अभी आप इसमें रिव्यू लगा सकते हैं, जो आपको कठिन गलत लग रहे हैं वो आप इसमें रिव्यू दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, तो आप इस पर रिव्यू लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा कथन संयोजन, कौन सा संयोजन जो है सही नहीं है, तो इसमें लिखा है कि स्प्रेडशीट पर्सनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये MS Excel के लिए लिखा उन्होंने। कोरल ड्रॉ तो ग्राफिक्स आता है, वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड आता था, RDB मल्टी मीडिया पर्सनल एप्लीकेशन हो गया, लेकिन MS Excel स्प्रेडशीट इसके अंदर होता है, ठीक है। MS Excel एक क्या है, स्प्रेडशीट पर्सनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सही नहीं है यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मूल रूप से दो कार्यात्मक इकाई वह कौन सी श्रेणी है जो दो होती हैं, तो केवल पहली सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये जो है पहला वाला, जो कि उपयोगकर्ता को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए कमांड इंटरप्रेटर का कार्य करता है। इसके बाद एक और है इसके बाद आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रबंधन प्रक्रिया प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन दिया है, उसका पहला और फोर्थ वाला आंसर है डेडलॉगिंग संभालता है और यूज़र और सिस्टम दोनों के निर्माण में काम करता है। RTOS का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है, तो वो है रिच टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS रिच टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताना है, तो इसमें पहला तो थर्ड आएगा, मतलब फाइल प्रबंधन और नेटवर्किंग प्रबंधन, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के काम होते हैं, मेमोरी प्रबंधन नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके पास MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग किस स्टेप के अंतर्गत पाया जाता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग जो है वो है आपका लेआउट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास डाटा सॉर्ट एंड फिल्टर के स्टेप में होता है, तो सॉर्ट एंड फिल्टर है आपका वो डेटा के अंदर आता है, डेटा वाले ऑप्शन में आता है। फिर पावर पॉइंट में आपको इक्वेशन वाला टैब होता है, इक्वेशन वाला, वो जो इक्वेशन वाला टैब है वो काय में पाया जाता है, किस स्टेप में होता है, इक्वेशन जो है किस स्टेप में आता है, तो वो व्यू में आता है, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास जूम इन और जूम आउट करने के लिए कौन सा ऑप्शन, तो दोनों ही नहीं आएंगे इसमें। ये आपका पहला वाला कंप्यूटर सेक्शन खत्म हुआ, यहाँ पे आप बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन दिए थे, ये पहला क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, ये तो आपने निकाल लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसमें ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है, होल स्क्वायर करना था, ये भी आपका देख लिया आपने। ये वाला होल स्क्वायर के बाद आप आ जाते हैं सबसे छोटी 2, 3, 5 से विभाजित होने सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, तो इसमें आपको 120 आंसर मिल गया। नेक्स्ट आपके पास जो है इसमें भाग करना था और जो गुणा जोड़ करना था, 78 का आंसर, ठीक है। 78 के बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें आपका नेक्स्ट आपके पास कितनी भिन्न इससे बड़ी हैं, 4 भिन्नों में से कितनी भिन्न बड़ी हैं 4 भिन्नों में से, तो ये जो है एक एक ही भिन्न बड़ी है 7/11 से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एक आपको 0.238 पर बार लगाया था, इसका आंसर निकालना था, तो वो था 118/495। इसके बाद नेक्स्ट है हम ये रूट पे निकाल के बताना था, 14/43 इसका आंसर। उसके बाद आपके पास रूट वाले 14/43 के बाद आपके पास नेक्स्ट है एक्स वाई से 90% कम है, तो कितने प्रतिशत अधिक है वाई एक्स से, तो वो 900% अधिक है, ये आंसर आ जाएगा। ये वाला का आंसर 133.33, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। मोहन और मोहित और सोहित के सोहन के बीच की वर्तमान आयु 3:5 है, तो इसका आपका आंसर जो है वर्तमान आयु सोहन के निकालना था, वो 25 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास औसत, 5 संख्याओं का औसत दिया था और योग निकालना था 5 संख्याओं का, तो वो आएगा आपका 210, ठीक है। और जो औसत का एक और सवाल था, इसमें 90 को नया भार बताना था लड़के का, तो इसमें आ जाएगा आपका 90। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास साधारण ब्याज का क्वेश्चन, जिसमें 28 आंसर आ रहा है, ठीक है, ये सभी सही हैं आपके, सही होना चाहिए, आप मैच करते जाइए। और इसके बाद इसका एक आंसर 1620 आ रहा है, ये क्रयमूल विक्रयमूल से रिलेटेड क्वेश्चन था, लाभ निकालना था, आराम से निकाल सकता कोई भी। ये एक और क्वेश्चन अंकित मूल से रिलेटेड था, लाभ प्रतिशत 80% आ रहा है सही आंसर में। इसके बाद एक नेक्स्ट आपका कि T1 T2 के लिए निवेश दिया गया है, तो लाभों का हिस्सा बताना था, 63:94। इसके बाद मिश्रण का एक क्वेश्चन था, 1:2 इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद मोहित और रवि के एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये 90 दिन में
मोहित अकेला काम कर पाएगा कंप्लीट 90 दिनों में कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है, कंप्लीट कर पाएगा 90 दिन में। इसके बाद आपका ये वाला 18 दिन में हो पाएगा कंप्लीट, ठीक है। ये अकेले P1 और P2 का दो दिया था तो 6 दिन पहले छोड़ दिया, तो उसका यहाँ जाएगा 18 दिन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि एक व्यक्ति है वो दिल्ली से आगरा के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार जाता है और आगरा से दिल्ली जाता है वो 180, तो इसमें संपूर्ण यात्रा आपको 144 से औसत गति जाएगी 144, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा पूरा मैथ्स का क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं साइंस पे, फटाफट देख लेते हैं साइंस के क्या आंसर हैं। तो संवेग को दर्शाते हैं द्रव्यमान गुणित वेग। नेक्स्ट है हमारे पास कि SI मात्रक भौतिक में कौन सा वाला सही आपको सही युग में सही है बताना है। तो इसमें आपको एक और दो दोनों ही सही है, ठीक है। त्वरण के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, संवेग के लिए किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्लास्टिक का गुण क्या होता है। तो थर्मोप्लास्टिक ऊष्मा से गर्म, ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। थर्मोप्लास्टिक ऊष्मा से गर्म नहीं होते, ठीक है, बल्कि ये जो कथन है ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और सही वाला आपको बताना था। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, थर्मोसेटिंग ऊष्मा को विकृत हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं आपका 0.2 14 ग्राम आएगा, आधा मोल में नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा तो वो आएगा 14 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कवक की कोशिका भित्ति जटिल शर्करा से बनी होती है, किसकी होती है तो काइटिन की बनी होती है, सभी जानते हैं। और नेक्स्ट है बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को कितने भागों में बांटते हैं, तो दो भागों में बांटा गया, ठीक है ना, दो भागों में एंजियोस्पर्म दो भागों में बांटा गया है बीज पत्रों के आधार पर। नेक्स्ट आपके पास मोलस्का के लिए सही नहीं है, तो बंद संवहन तंत्र नहीं होता है, बाकी जो तीनों हैं ये सही, मतलब ये चीज़ों तीनों का था ना ऊपर के वो सही हैं। नेक्स्ट है आपके पास आपका मानव निर्मित पारितंत्र में, मानव द्वारा निर्मित पारितंत्र में आएगा बगीचा, जो मानव निर्मित है वो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे पत्तियों से जो सौर ऊर्जा प्रकाशित होती है, सौर ऊर्जा, और उसका कितना प्रतिशत भाग खाद्यान्न में रहता है, तो मात्र एक प्रतिशत भाग ही वो जो खाने में लेते हैं हरे पौधे। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि आहार श्रृंखला किस हिसाब से रही, तो कि घास फिर बकरी, मतलब घास को खाती बकरी, बकरी को वो कई मानव खाते हैं, तो यह सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लाल कोचुआ की जो सहायता है उससे कंपोस्ट बनाने की विधि कहलाती है वर्मी कंपोस्टिंग। और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास कि रसोई घरों के अपशिष्ट जो भी निकलते हैं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कंपोस्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास स्वच्छता को स्थिति सुधारना है, तो स्वच्छता स्थिति सुधारने के लिए आपको खाली स्थानों के लिए उपयुक्त है मल वहन की व्यवस्था जहाँ ना हो, तो वो हो जाएगा सेप्टिक टैंक। जहाँ मल वहन की व्यवस्था ना हो वहाँ सेप्टिक टैंक जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। पत्तियों की सतह वाष्पोत्सर्जन के कारण जल बाहर निकलता है पौधों की सतह से, वाष्पोत्सर्जन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है आपका नेक्स्ट अभी आता है, एक मिनट रुकिए, कहाँ आ गए थे हम, विज्ञान पे आ रहे थे। विज्ञान के बाद आ रहे हैं, रुकिए एक सेकंड के लिए, जस्ट ये भी हो गया एक। नेक्स्ट है कि आपको जल में परिवर्तित करना वाष्पन कहलाता है, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प मिलती है, तो दोनों ही कथन सही हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपका एक और यहाँ पे दिया है, निद्रालु व्याधि जो होती है किसके कारण होती है, प्रोटोजोवा के कारण होती है, ठीक है। काला ज्वर व्याधि होती है किसके कारण, तो वो भी प्रोटोजोवा के कारण होती है, ठीक है। इसके बाद कौन सा जो है जो रोग है वो जीव का सही युग्म है, तो केवल दूसरा एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होता है, एंथ्रेक्स जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, ये वाला सही है। तो नेक्स्ट है डेंगू बुखार होता है किसके कारण, वायरस के कारण होता है डेंगू बुखार। और इसके बाद कौन सा कथन सही है तो बताना है आपको, तो इसमें दूसरा कथन जो है वो सही है, टीकाकरण द्वारा जो है संक्रामक रोगों का निवारण भी किया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं जनरल नॉलेज की कुछ क्वेश्चनों पे, जो कि अंतिम स्थिति पे हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा मालवा का क्षेत्र समुदाय का, तो मटकी जो है नृत्य मालवा क्षेत्र का समुदाय का, मालवा के क्षेत्र का जो है सामुदायिक नृत्य है मटकी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो एक और दोनों सही है। अहिराई जो है बाहरी जनजाति द्वारा पारंपरिक नृत्य है और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों के लिए
नौरता नृत्य का विशेष महत्व है। यहाँ पर आपको जिस जिस पे भी आपको ऑप्शन में गलत लग रहा है वो आप रिव्यू के लिए मतलब आप उस पर रिव्यू लगा सकते हैं, ठीक है, रॉन्ग आंसर पे, और अपना फॉर्म खोलेंगे उसके नीचे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपके पास जो है गायन की विदेशी शैली वो बघेलखंड में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि लोक रंजन खजुराहो में आयोजित हो जाता है, आयोजित होता है, एक राष्ट्रीय उत्सव है। लोक रंजन का उत्सव पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नहीं होता, ये जनजातीय विभाग द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कि कौन सा का जो पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, तो विश्व भारती सम्मान हो गया। कवि सम्मान में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, कवि सम्मान साहित्य क्षेत्र के बाद इसमें देखा है कि आपका अब नेक्स्ट फिर से सिंहस्थ मेला होशंगाबाद में लगता है, ठीक है। एक और आपके पास अगला क्वेश्चन है कि सिंहस्थ मेला होशंगाबाद, उसके बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट कि कौन सी नदी जो है वो मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है, तो सतलज नदी आ जाएगी। उसके बाद धसान नदी रायसेन से निकलती है, ये सही सही दिया है। केन नदी निकलती है आपकी जबलपुर से, ये भी सही है, दोनों सही हो गए। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश से नहीं मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है वो है तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थापित नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में जाएगा, होशंगाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसमें जाएगा आपका दूसरा नंबर वाला, मध्य प्रदेश में चंबल नदी की लंबाई 558 मीटर है, ठीक है, चंबल नदी की लंबाई जो है 558 मीटर, ये वाला इसमें कथन सही नहीं है। 177 नर्मदा की 177 है मीटर लंबाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से साझा नहीं करता, हरियाणा नहीं करता है, ठीक है। सीमा साझा मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है, 10 और 52 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, 10 और 52 का यहाँ पर दिया है संभागपुर ज़िले। उसके बाद नेक्स्ट है काबुल, ठीक है, ऐसे तो ज़िले 55 हो गए हैं लेकिन अभी ऑफिशियली में नहीं आए हैं, 52 ही हैं, निमाड़ तक ही सीमित है, ठीक है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी हो गई। राष्ट्रपति कितने लोग मनोनीत करता है, 12 लोगों को मनोनीत करता है, और यहाँ पर एक तो दोनों कथन सही है, राज्यसभा का एक स्थायी सदन है और जो उसका जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति उसे होते हैं। इसके नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो जो पहले वाले जो थे वो हीरालाल जस्टिस जेकानिया। नेक्स्ट है आपके पास परमवीर चक्र प्राप्त करने और मेजम सोमना शर्मा, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन भी देख लीजिए फटाफट। यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें दिया है कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप रखता है, लोहार क्या रखता है, एल्विन रखता है, निहाई, ठीक है, जो जिससे वो अपने काम को करता है, लोहार गिरी कर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि इसमें कौन सा विषम है, तो सैनिक महल में नहीं रहता है, ठीक है, ये सभी देते हैं, अपने अपने स्थान पर रहते हैं वहाँ पर। और इसमें विषम कौन सा, तो औषधि औषधालय दवाई, ठीक है, औषधालय में दवाई, ये विषम दिया है यहाँ पर। ये कुछ क्वेश्चन इसमें गलत दिए हैं, तो आप तो अपने हिसाब से ज़रूर कमेंट बताएं कि आपका जो क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है वो ज़रूर बताएं, ठीक है ना। जैसे इसमें ही आप बताइए कि इसमें क्या आएगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है आपका जो कोडिंग में लिखा है बी का मतलब 2 है, ए टी का मतलब है कितना, 35, तो इसमें इंटरचार्ज को 104, ठीक है, इसमें जोड़ जोड़ के करना था। नेक्स्ट है आपके पास कैलेंडर को बनाना था, तो 4th वाला आंसर इसका सही दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इसमें एक्सेल आंसर आ जाएगा। एक और नेक्स्ट आप देख लीजिए, इसके बाद जो इसकी पूरी बनाना था तो इसमें NI आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, तो वो है आपका, इसमें आपको बी के दाईं ओर बताना था तो ए बैठा था, ठीक है, गोले में बैठाना था, ये वाला गोले में बैठाने वाला था, ठीक है, पहला तीसरा चौथा इसमें सही है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि इसमें आप पुलिस को सूचना देंगे, और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें नेक्स्ट है, तो इसमें बताएंगे कि आप वृद्ध को जो अस्पताल ले जाएंगे, ये उनका एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर दक्षिण में, दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन, यह वाला इसमें जो दिया है ये दूसरा आंसर आ जाएगा इसका। और इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है इसका ये वाला आ जाएगा, एकदम विषम छाटना था, ये अलग है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो इसमें ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये एकदम अलग है, यहाँ देखिए। इसके बाद आप देखिए इसमें अलग से आपको जो इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आप, इसके बाद इसमें लिखा है ये वाला आएगा, ठीक है ना,
गोले के अंदर चतुर्भुज आ जाएगा, ठीक है, गोले के अंदर आपका वर्ग आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये वाला हो गया, इसमें 121 आंसर आएगा, और इसके बाद आपका ये वाले में आपका 72 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद इसमें क्यू आंसर आएगा, और इसके बाद आपका जो है इसमें क्यू के बाद ये ग्राफ वाले में आपका जो आंसर आएगा वो इन 5 वर्षों में इसका अंतर 350 है, ये सही नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये पूरी की पूरी वीडियो में हमने आंसर की आपको बता दी है, और आप आंसर की भी रिव्यू भी लगा सकते हैं, जो क्वेश्चन गलत हैं वो कहाँ कहाँ से रिव्यू लगा सकते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप MP ऑनलाइन की साइट पर जाकर जो आवेदन कर रहे थे वहाँ से जाकर आप इसको कर सकते हैं। जो आपके आंसर आ रहे हैं, जितने भी आपके आंसर बन रहे हैं वो ज़रूर बताएं, मतलब आपके मार्क्स कितने हो रहे हैं और किन किन क्वेश्चनों को आप गलत समझ रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएं। इस पर आप आपत्ति 1 तारीख तक लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको ऊपर आपका जो एप्लीकेशन नंबर और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ डाउनलोड का इस तरीके से ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। और डाउनलोड यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। डाउनलोड को इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना जो आंसर की है वो देख पाएंगे। हम इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ताकि आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर पाएँ। इसके बाद आप अपना जो है ऑब्जेक्शन वो लगा सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, कितना है, कैसा है, उसकी आईडी वगैरह चूज़ करके। उस क्वेश्चन को चूज़ करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको जो दिया गया क्वेश्चन गलत है अगर ऑब्जेक्शन में दे रहे हैं तो, आप सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है तो, इनकरेक्ट आंसर है तो वो बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारे रीज़न यहाँ पे लिखे हुए हैं, हिंदी या इंग्लिश जो ट्रांजेक्शन है ट्रांसलेशन है उसमें कोई गलती हुई है तो वो आप बताकर इसे। और यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा 400 KB में एक PDF जो प्रूफ के रूप में कि हाँ भाई ये गलत है। और इसके बाद अपना जो आप डिक्लेरेशन है इस पर यहाँ पर क्लिक मारेंगे। डिक्लेरेशन पर क्लिक मारने के बाद तो सबमिट का ऑप्शन करने के बाद आप इसे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो मार्क्स हैं वो जरूर बताएं कि हमारे मार्क्स कितने हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।